हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लोक देवता तेजाजी के बारे में। प्रश्न उत्तरीय उसके बारे में बात करेंगे कि तेजाजी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर है कि तेजाजी का जन्म, तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, तेजाजी के बारे में हम ये चीज़ ज़रूर जानते हैं कि तेजाजी दशमी कब मनाई जाती है ना, तो भाद्र शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। तो कई लोग ये मानते हैं कि भाद्र शुक्ल दशमी को ही तेजाजी क्या हुआ था, जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। बोलो, ध्यान रहे भाद्र शुक्ल दशमी को इनका जन्म नहीं हुआ था। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर, तो ये बात क्लियर हो गया ना, माघ शुक्ल दश चतुर्दशी क्या हुआ, तेजाजी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर दो की कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। देखो, पहला प्रश्न था कि कब हुआ, तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को। अब दूसरा प्रश्न है कि कहाँ हुआ, तो जन्म कहाँ पर हुआ। तो ध्यान रहे तेजाजी का जो जन्म है खड़नियाल नागौर में हुआ। यहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, तो खड़नियाल नागौर में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो खड़नियाल नागौर में जन्म हुआ है। और बात कर ले देखो इनके जन्म के बारे में, तो देखो एक तो इनका जो गोत्र था है ना, वो गोत्र क्या था, नागवंशीय जाट परिवार में है ना। एक तो नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था और गोत्र का नाम क्या था, गोत्र का नाम था धोलिया गोत्र है ना। तो इस वजह से इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है, क्योंकि धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था, नागवंशी जाट परिवार। यानी तेजाजी क्या है, जाट है। ठीक, अगली बार अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी की बहन है, तेजाजी की बहनों के बारे में बात की गई है। तो जो तेजाजी की बहन है इसमें लाचा नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर देखो लाचा दो है, एक तो लाचा बाई है और एक लाचा गुजरी। एक क्या है, लाचा गुजरी है। ध्यान रहे जो लाचा गुजरी है उसका संबंध तो तेजाजी की जो पत्नी है पैमल देव उससे, और लाचा बाई है वो रामदेव जी की बहन है। ध्यान रहे, ठीक। और देवल चांदनी है ना, ये भी नहीं है। और इनकी जो सही ऑप्शन होगा कि तेजाजी की जो बहन है उसका नाम क्या है, तो जो राजल और भोंगरी, दो बहनों के नाम मिलते हैं इनके तेजाजी के, कि दो बहनें थी राजल और भोंगरी है ना। तो यहाँ पर भोंगरी नहीं दिया हुआ, राजल दिया हुआ है। तो यहाँ पर तेजाजी की बहन का नाम क्या है, राजल सही ऑप्शन रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि तेजाजी के माता पिता का नाम क्या है। तो तेजाजी के माता पिता का नाम पूछे, तो तेजाजी के नाम माता पिता का नाम है राम कुंवरी और ताहड़ जी। ऐसे याद रख ले तेजा तारा है ना, ट्रिक याद रख ले तेजा तारा, यानी तेजाजी के माता पिता का नाम क्या है, ताहड़ जी और राम कुंवरी है ना। तो तेजाजी के क्या है, राम कुंवरी और ताहड़ जी है। और दूसरी अगर ट्रिक याद रखना तो ये किनके, ये है पापू जी की धाक। ऐसे याद रख लो पापू जी की धाक, यानी पापू जी के पिताजी का नाम क्या है, दानदल जी और कमला जी। और गोगा जी के जेवर बाचन, ये किसके हैं, ये गोगा जी हैं। और ये जो मैणा देव और अजमल जी किसके हैं, ये रामदेव जी के हैं। तो अगर आपको याद रखना हो तेजाजी के माता पिता, तो तेजा तारा लिख याद कर सकते हैं कि तेजा तारा का मतलब तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुमारी। तो प्रश्न नंबर चार में उसका नंबर रहेगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर पाँच में कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, तेजाजी की पत्नी का नाम, तो तेजाजी की पत्नी कौन का नाम क्या है, पैमल दे। ध्यान रहे इनकी पत्नी इनके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। पैमल दे क्या हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है, पैमल दे है। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर छः की ओर। तो प्रश्न नंबर छः को करने से पहले हम तेजाजी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जानेंगे कि तेजाजी के उपनाम कौन कौन से। ध्यान रहे यहाँ से प्रश्न आता है कई बार। देखो, एक तो तेजाजी क्या है, गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, सर्पदंश ने दस लिया था इनको जीवा पर, इस वजह से वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनको एक तो गायों के रक्षक लोक देवता कहा जाता है, कुमा एक सर्पदंश इनकी मृत्यु हुई थी तो नाग देवता ने प्रसन्न होकर इनको वरदान दिया था कि जो भी इनका नाम लेगा वह सर्पदंश से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसको जहर
नहीं चढ़ेगा, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, नागों के देवता। दूसरा लोक नाम क्या है, नागों के देवता। तीसरा देखो, जब कृषि जब फर्स्ट में जब खेत को जोता जाता है ना, आषाढ़ से पहले जब खेत की जुताई की जाती है तो तेजा जी के नाम के गीत गाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तेजा टेर कहा जाता है या तेजा गीत कहा जाता है। तो तेजा जी गीत गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तेजा टेर या तेजा गीत कहते हैं, यानी वो इस तरीके से गाए जाते हैं, लागियो लागियो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, है ना। तो ऐसे जो गीत होते हैं वह तेजा टेर या तेजा गीत कहलाते हैं, और इस वजह से इनको क्या कहते हैं, क्योंकि हल जोतने से पहले गाए जाते हैं या हल जोतते समय गाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता या कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है। इन्हें काला बाला के देवता भी कहा जाता है, किसके, काला बाला के देवता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तेजा जी के उपनाम हुए कि ये तेजा जी क्या है, ये उपनाम है, यानी गायों के रक्षक लोक देवता, नागों के देवता, कृषि उपकारक देवता है, काला बाला के देवता। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है। तो देखिए, तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है लीलण, या इसका दूसरा नाम है सिणगारी, सिणगारी, क्योंकि देखो ये बड़ा सिणगारी भी रखते थे तेजा जी महाराज, इस वजह इसको सिणगारी भी कहते हैं। और ऐसे नाम क्या है, लीलण है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, केसर काल में भी नहीं है, केसर काल में किसकी है, ये पापू जी की है, किसकी है, ये पापू जी की। लीलागर क्या है, घोड़ा है देव नारायण जी का, किसका है, देव नारायण जी का। और नीली है ना ये घोड़ी, ये कौसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लीलण है वह किसकी है, तेजा जी की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन क्या रहेगा, लीलण, यानी कि तेजा जी घोड़ी का नाम क्या है, लीलण है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, कि तेजा जी को सांप ने कहाँ डसा। देखो ये भी जरूरी है कि सांप ने कहाँ पर डसा है, क्या पर्वत सर में डसा है, सेंद्रिया में डसा है, खड़नियाल में डसा है या सुसुराम में डसा। देखिए सेंद्रिया में क्या किया है, इनको नाग ने डसा है, नाग ने डसा या सांप ने डसा। खड़नियाल में क्या हुआ इनका, खड़नियाल में इनका जन्म हुआ है, ठीक। सुरसुरा में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, सुरसुरा में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और पर्वतसर में क्या लगता है, इनका प्रमुख तीर्थ स्थल या प्रमुख मंदिर है ना। और यहाँ पर पर्वतसर में इनका मेला लगता है, और यहाँ पर पर्वतसर तेजा जी का पशु मेला भी लगता है, जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो नाग ने डसने की बात हुई, क्या साहब ने कहाँ, कब, माँ जी कहाँ डसा, तो कहाँ पर डसा, सेंद्रिया गांव में, जो कि कहाँ पर है, वर्तमान समय में ब्यावर में है, कहाँ पर ये ब्यावर में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, कि तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई। देखो मृत्यु के बारे में पूछा है, अभी पिछले प्रश्न में हमने समझा था कि मृत्यु कहाँ पर हुई है, सुरसुरा में हुई है, सेंद्रिया में नाग ने डसा, खड़नियाल में जन्म हुआ, पर्वतसर में प्रमुख मंदिर है ना। और जो सांस रुकी है, यानी कि मृत्यु हुई है, वो कहाँ पर हुई है, मृत्यु हुई इनकी सुरसुरा में, कहाँ पर हुई है, सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई है। ऐसे ध्यान रखिए कि सेंद्रिया में तो नाग ने डसा और सुरसुरा में सांस रुक गए, मतलब सुरसुरा में तेजा जी महाराज की मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, कि तेजा जी के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो देखो ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं, तलवारधारी अश्वारोही जीवा पर सर्वदंश करते हुए, बालाधारी अश्वारोही जीवा पर सर्वदंश करते हुए, सर्व का प्रतीक है, इनकी कोई प्रतीक की पूजा नहीं की जाती है ना। तो ध्यान रहे कि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जो तेजा जी महाराज का जो प्रतीक है वो बालाधारी अश्वारोही है और जीवा पर सर्वदंश करते हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो फोटो होते हैं उनमें ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किताबों में या फिर जो इतिहास की किताबें या लोक देवता के बारे में जो किताबें तेजा जी के बारे में, उसमें यह है कि ये तलवारधारी अश्वारोही तथा जीवा पर सर्पदंश करते हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रहे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो तेजा जी के प्रतीक के रूप में है वह तलवारधारी अश्वारोही जीवा पर सर्पदंश करते हुए जो प्रतीक चिन्ह है उसकी पूजा की जाती है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर वह रहेगा ऑप्शन नंबर अ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, कि तेजा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है। तेजा जी का देखो वर्तमान में, देखो वर्तमान में मुख्य मंदिर इनका पर्वतसर में है, कहाँ पर है, पर्वतसर में। पहले इनका देखो मुख्य मंदिर भावंता में था, है ना, भावंता अजमेर, इनका मुख्य मंदिर पहले भावंता अजमेर में था, लेकिन वहाँ से फिर अब वर्तमान समय में जो प्रमुख मंदिर है वह पर्वतसर में है। सेंद्रिया में भी इनका मंदिर है, ध्यान रहे सेंद्रिया में मंदिर है, सुरसुरा में मंदिर है, पनेर में मंदिर है, ठीक है।
तो ये सब इनके देखो मंदिर तो है, लेकिन प्रमुख मंदिर के बारे में पूछा है। प्रमुख मंदिर तो प्रमुख मंदिर कहाँ है, परवत्सर में। पहले भवन था, अजमेर था, और यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ गौमूत्र से सर्पदंश का इलाज किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि तेजाजी कर्मस्थली रही है ना, तेजाजी कर्मस्थली कौन सी है, तो जो बासी दुगारी है बूंदी है ना, बासी दुगारी कहाँ पर है, बूंदी में। तो जो बासी दुगारी है वह तेजाजी की कर्मस्थली रही है, तो यहाँ पर भी तेजाजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ठीक, उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 12 की कि तेजाजी पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो तेजाजी पर डाक टिकट 2011 में जारी किया गया, और कितने रुपये का, तो 5 रुपये का, 5 रुपये का डाक टिकट 2011 में जारी किए गए। तो ये थी तेजाजी के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब अगले वीडियो में हम अन्य लोक देवता के बारे में जानेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।